Hi everyone, today I'm going to share with you how you can make a mood board or what is the mood board and what is the important mood board in fashion designing. और guys, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ये भी share करने वाली हूँ कि आप किस तरह से inspiration board भी बनाएं, क्योंकि आप लोगों को पता है mood board और inspiration board बहुत important होता है in fashion designing. और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी स्टेप बाई स्टेप एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आप अपने डिज़ाइंस के लिए मूड बोर्ड और थीम बोर्ड बनाएं और कलर किस तरह से चूज़ करना चाहिए, मूड बोर्ड में क्या पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, इंस्पिरेशन बोर्ड में क्या पॉइंट को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, ये दोनों बोर्ड आपस में एक दूसरे से कितने अलग हैं. तो ये तमाम जो टेक्निक है वो स्टेप बाई स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. ये सीखना बहुत ज़रूरी है. मूड बोर्ड जनरली जो आप डिज़ाइंस स्टार्ट करते हैं, एक प्रोसेस माइंड में आती है कि हम जब डिज़ाइंस करेंगे वो किस कॉन्सेप्ट में होगा. लाइक मूड बोर्ड जो होता है रिलेटेड योर साइकोलॉजिकल फीलिंग, राइट, योर इंटरनल्स फीलिंग्स. तो ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि मूड बोर्ड आपके इंटरनल्स फीलिंग्स में से आते हैं कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइंस. एंड इंस्पिरेशन बोर्ड जो होते हैं, हम कहीं और आउटसाइड से इंस्पिरेशंस लेते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं. चलिए अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको अंडरस्टैंड कराती हूँ. सपोज़ मानिए आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ. तो मुझे एक डिज़ाइंस दिमाग में आया, इट्स लाइक पिंक कलर एंड फ्लावरिश एंड इट्स फीलिंग्स कि लाइक हम हैप्पी हैं. तो ये फीलिंग्स अगर हम आ रहे हैं, इस फीलिंग से हम अगर आइडिया लेते हैं, राइट, और इस आइडिया से हम डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये आइडियाज़ को हम एक बोर्ड पे मेंशन करते हैं, लाइक हैप्पी मोमेंट, ठीक है, प्लेइंग गेम, और ये तमाम हैप्पी मोमेंट से रिलेटेड जो भी पिक्चर्स होते हैं उनको हमें एक हार्ड कॉपी में पेस्ट करना होता है. देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ आप दो तरह से वर्क कीजिए, बट जनरली कंप्यूटर से ज़्यादा मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिकल वर्क करें. लाइक आप एवरी शीट में पिक्चर्स पेस्ट करें हैप्पी मोमेंट के. तो ये हो गया आपका मूड बोर्ड किस तरह से बनेगा, ठीक है. डाउट हो तो हम कल के क्लासेस, लाइव क्लासेस में इसको क्लियर करेंगे. अब आते हैं इंस्पिरेशन बोर्ड कैसे बनाया जाता है. सो इंस्पिरेशन बोर्ड होता है वो बहुत ही इजी होता है. इट्स लाइक जैसे मैं कहीं बाहर विजिट पे गई और मुझे कोई स्ट्रक्चर्स अच्छे लगे. इट्स लाइक जैसे दिल्ली विजिट किया, कुतुब मीनार अच्छा लगा, तो इंस्पिरेशन मैंने कुतुब मीनार से लिया. तो वो मीनार से रिलेटेड जितने भी पिक्चर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं, जितने भी शेडिंग है, वो तमाम मैं मुझे एक शीट में पेस्ट करना पड़ेगा. और वो पेस्ट करने के बाद जो आइडिया वहाँ से निकलेगा वो हम कहते हैं इंस्पिरेशंस बोर्ड. इस तरह से हम बनाते हैं. प्रैक्टिकल कैसे बनाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. अब यहाँ पर आते हैं ट्राइबल ज्वेलरी. मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर. तो ये ट्राइबल ज्वेलरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर इसलिए की है कि जितने भी मेरे बच्चे हैं आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज के ऑनलाइन सीख रहे हैं या इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने डिज़ाइंस तो बहुत अच्छी बनाई है, कंपटीशन भी टफ है, बट आप लोगों ने ज्वेलरी किसी भी डिज़ाइंस में नहीं बनाई है. तो शुड बी मेक अ ज्वेलरी ऑल्सो. गुड न्यूज़ एक और भी है कि हम बहुत जल्द ज्वेलरी डिज़ाइन का सेक्शन ओपन करने वाले हैं. ये सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. मुझे ज्वेलरी डिज़ाइनर से हमारी बात चल रही है एंड हम बहुत जल्द ये सेक्शन भी ओपन करेंगे. तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक ही प्लेटफॉर्म में आप ज्वेलरी डिज़ाइन भी सीख रहे हैं, एसेसरीज डिज़ाइन भी सीख रहे हैं, शू डिज़ाइन भी सीख रहे हैं, हैंडबैग डिज़ाइन भी सीख रहे हैं. बिकॉज गाइज, फैशन डिज़ाइन जो है ना कम्प्लीट प्रोसेस है फॉर डिज़ाइन. तो ये देखिए, मैं कुछ शीट शेयर कर रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी. इनके बीच बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बट इन्होंने किसी ने ज्वेलरी नहीं बनाई है. तो शुड बी मेक अ ज्वेलरी. 15 जुलाई तक आप लोगों का टाइम है और 10 जुलाई तक क्लोज हो जाएंगे जो भी सबमिशन आपको देना है, क्योंकि हम उसके बाद रिजल्ट पे वर्क करेंगे. जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है ट्राइबल आर्ट्स कंपटीशन में, सब कोई ज्वेलरी अलग से बनाएंगे अपने थीम के हिसाब से, राइट, और वो एडिशनल ऐड करेंगे एक अलग से एवरी शीट में और मुझे भेजेंगे.
तो गाइज़ ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हैप्पी हैप्पी रहिए। टेक केयर, लव यू, बाय 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 बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड कीप एक्टिव, कीप क्रिएटिव एंड बी स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।